तो चलिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको CSJMU यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। ये हमारे कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है और आपको इसके बारे में काफ़ी बढ़िया ये वीडियो लगने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट करिए कि बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टॉप लेवल के कोर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो आप इन वीडियो को देख के प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग बी फार्मा करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर बी फार्मा मिल जाता है, अदरवाइज बी फार्मा लैटरल से भी मिल जाता है। यानी कि अगर आप लोग बी फार्मा लैटरल से करते हैं तो आपको यहाँ पर डी फार्मा होना चाहिए, अदरवाइज़ आप बी फार्मा बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। अगर आप लैटरल से करते हैं तो आपका डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा फार्मा होना चाहिए, जब भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो बात करते हैं BCA की। अगर आप लोग BCA करना चाहते हैं तो BCA भी कर सकते हैं। BCA के लिए यहाँ पर आपको सिंपली प्लस टू पास होना चाहिए, यानी कि आपको कहीं से भी आपको प्लस टू क्लियर होना चाहिए, चाहे वो आर्ट साइड कॉमर्स यानी कि किसी भी साइड से चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपका BCA कंप्लीट होना चाहिए, प्लस टू कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आप लोग प्लस टू कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग बिल्कुल आसानी से यहाँ पर BCA कर पाएंगे। तो बात करते हैं बीएड की, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आप लोग बीएड करना चाहते हैं तो आप लोग यहां से बिल्कुल आसानी से बीएड भी कर सकते हैं। बीएड के लिए आपको यहां पर ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप लोग यहां से, यानी कि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किसी भी साइड से, मान लीजिए BA, BCom, BSc, आप किसी भी साइड से कर रखा है, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप लोग बीएड बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात करते हैं BBA। तो BBA के लिए आपको सिंपली प्लस टू पास होना चाहिए। ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस साइड से प्लस टू पास है, तो किसी भी साइड से चल जाएगा। अगर आप लोग प्लस टू पास है तो आप लोग यहां से BBA कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से। बात करते हैं BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप लोग BTech करना चाहते हैं तो आप लोग BTech भी कर पाएंगे। तो BTech के लिए यहां पर आपको प्लस टू विथ 45% यानी कि प्लस टू में आपका लगभग 45% नंबर होना चाहिए, और उसके साथ है UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो और आपका प्लस टू में 45% नंबर है तो आप लोग यहां से BTech कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो अगर आप लोग BHMCT यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तो अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग यहां से ये कोर्स कर सकेंगे बिल्कुल आसानी से। इस कोर्स के लिए आपको सिंपल बात यह है कि आपको प्लस टू पास होना चाहिए, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई है। तो अगर आप लोग यहां से बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग यहां से बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। बात करते हैं MBA की। अगर आप लोग MBA सोच रखा है कि इन फ्यूचर आपको MBA करना चाहिए, यानी कि आपको मार्केटिंग लाइन या फिर बिजनेस लाइन में जाना में इंटरेस्टेड है, तो आपको MBA बिल्कुल ही करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज की चीज़ें सिखाई जाती है कि आप अपने आप को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से MBA कर पाएंगे। ग्रेजुएशन में आपका लगभग 50% नंबर होना चाहिए, और उसके साथ साथ UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा आपको MBA में एडमिशन लेने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।